मऊ के नगर पंचायत कार्यालय में 4 साल बेमिसाल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नगर पंचायत कार्यालय में प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 4 साल बेहद कमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम किशोर गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी माँ बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बंटवाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास दिए गए, किसान सम्मान निधि दी गई ताकि गरीब किसान को अपनी खेती करने के लिए महाजनों का सहारा ना लेना पड़े। इसके अलावा आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है। ये सभी योजनाएं इसी सरकार में संभव हो पाई हैं। मुख्य अतिथि ने स्वनिधि योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पंचायत अध्यक्ष परवीन खान ने बताया कि वास्तव में 4 साल बेहद कमाल के इस सरकार के गुजरे हैं। उन्होंने बताया पूरे जनपद में सबसे अधिक आवास गोपमऊ नगर के लाभार्थियों को मिले हैं, इसके लिए मैं सरकार की आभारी हूं। उन्होंने कहा कि इस सरकार का सबका साथ सबका विकास का सपना साकार हो रहा है। अंत में उन्होंने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा, लिपिक मोबीन अहमद, विजय तिवारी चेयरमैन, प्रतिनिधि नौशाद नदवी, रमाकांत मिश्रा, मनोनीत सभासद नफीस नेता, मनोनीत सभासद सरताज गुड्डू बीजेपी सभासद, मोहम्मद शकील सभासद, रामसेवक सरताज कुरैशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नौशाद नदवी ने किया। गोपमऊ से उबैद खान की खास रिपोर्ट। सर क्या कार्यक्रम था आज? ये आज माननीय आदिनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के 4 वर्ष सफलतम 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित लोगों से मिलना हुआ का आवास प्रमाण पत्र वितरण किए। कितने आवास नगर 2000 आवास नगर पंचायत गोपमऊ में मिले हैं और 1300 शौचालय और प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना में 200 लोगों को लोग लाभान्वित हुए हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी सदैव सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है और जो हमारे गरीब तबका, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एक सपन सजोया था कि समाज का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति का जब विकास होगा तभी उत्तर प्रदेश और पूरे देश का विकास होगा, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े।